वेलकम बैक पैनते प्रावो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिडल्स खेलने वाले हैं। मेरा मतलब रिडल्स सॉल्व करने वाले हैं, वो भी उर्दू रिडल्स। अच्छा ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली रिडल ये रही हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। यहाँ आपके सामने एक नल मौजूद है, इसकी मदद से हमें यहाँ मौजूद 6 टैंक को भरना है। तो दोस्तों, क्या आप ये देखकर बता सकते हो कि इन 6 टैंक में से कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा? दोस्तों, इसका आंसर जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं। तो अपना आंसर जल्दी से सोचकर हमें कमेंट में बताइए, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो भाई, नल से पानी आ रहा है, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। नंबर वन में, और फिर नंबर टू से, नंबर वन से जा रहा है नंबर फाइव में। ठीक है, नंबर फाइव में जा रहा है। उसके बाद हाँ, आगे लॉक है। ठीक है, अच्छा। नंबर टू देखें, लॉक है। तो सबसे पहले कौन सा भरेगा? नंबर फाइव, क्योंकि नंबर वन है ऊपर हाइट पे है, तो नंबर फाइव भरेगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, सबसे पहले जो टैंक भरेगा वो है फाइव, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन वाला जो टैंक है वो यहाँ तक ही भरेगा, और उसके बाद ये फाइव वाला टैंक भरने लग जाएगा। और फाइव वाले टैंक को देखकर लग रहा है कि इसका पाइप जा रहा है टू नंबर में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो पाइप है ये यहाँ पर ब्लॉक है। इसका मतलब पानी यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, इसका मतलब फाइव वाला टैंक सबसे पहले भरेगा। वैसे दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर सोचा था हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है इफ्रा खान ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो कौन सी चीज है जिसको गले मिलो तो वो गला ही दबा देती है। तो ध्यान से सोचिए, और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। जिसको गले मिलो वो गला दबा देती है, यार क्या होगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब जिसको गले मिलो वो आपका गला दबा देगा, क्या होगा यार कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो सकता है दोस्तों, जिसको गले मिलो वो आपका गला दबा देगा, कुछ गला टाइप चीज है क्या है? लेट्स सी, देखते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा जहन में। क्या होगा? चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है टाई। जिसको अगर हम गले मिले तो वो गला ही दबा देती है। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अदील जुगनू ने। इस पहेली में आपको बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसका नाम अगर हम उल्टा कर दें तो एक मुल्क का नाम बनता है। तो अच्छे से सोचकर आंसर हमें कमेंट करें, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। इसका नाम अगर हम उल्टा कर दें तो एक मुल्क का नाम बनता है। कौन सा होगा यार जानवर, वो कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर होगा यार, गेस करो। क्या होगा यार, क्या नाम होगा, वो कौन सा जानवर है यार, क्या गैस करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रुको जरा, सबर करो यार। क्या कुत्ता, ताक बनेगा, कुत्ता पता नहीं क्या बनेगा यार, फजूली बोली जा रहा हूं मैं। क्या होगा यार, और कौन से जानवर है, घोड़ा,
यार ये भी नहीं बन रहा, क्या बनेगा? अच्छा कोई और देखते हैं, कोई और क्या? मोर, रोम, रोम, ये रोम। हाँ ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जवाब होगा, ऑब्वियसली मोर मीम वाओ रे, रे वाओ मीम रोम, रोमुल का नाम है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है मोर, जिसको अगर हम उल्टा करें तो रूम बनता है, जो कि एक मुल्क का नाम है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है आयशा आतफ ने। इस पहेली में आपको बताना है कि वो क्या है जिसके होते कुछ ना खाया, जब भी खाया उसको ना पाया। तो दोस्तों ध्यान से सोचिए, और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। ठीक है, वो क्या है जिसके होते कुछ ना खाया, जब भी खाया उसको ना पाया। क्या होगा यार, जिसके होते कुछ ना खाया मतलब वो है तो तुमने कुछ नहीं खाया, जब भी खाया उसको ना पाया। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या होगा यार, क्या होगा? जिसके होते कुछ ना खाया यार, क्या पे खाना ही खाते हैं यार उसके अलावा? इसके होते कुछ ना खाया, रोटी के होते सालन नहीं खा, सालन नहीं है तो खाली रोटी नहीं खा सकते। भाई कुछ क्या बोला यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी खाया उसको ना पाया। हाँ चलो लेट्स प्ले, नहीं आ रहा यार। धक 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 धक, भाई धड़कन तेज हो रही है। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है रोजा। जब हम रोजा रखते हैं तो हम कुछ नहीं खाते, लेकिन अगर हम रमजान में कुछ खा रहे होते हैं तो हमारा रोजा नहीं होता। चलिए हम पांचवी पहेली देख लेते हैं। आमर अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो नोशी उसका टेस्ट लेने का सोचती है। नोशी के रूम में 3 स्विचेस थे, तो वो आमर का टेस्ट लेने के लिए उससे पूछती है, बताओ आमर इन 3 स्विचेस में से कौन सा स्विच लाइट का है? टाइम आर्मी, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? तो जल्दी से आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो यार देखो, ये जो लेफ्ट वाला बटन है ये तो इस साथ वाले जो है ना थ्रीशू का है, स्विच का है, ठीक है, और जो राइट वाला बटन है वो पंखे का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दरमियान वाला होगा यार, बच्चों वाला सवाल है, दरमियान वाला लाइट का बटन होगा ऑब्वियसली। लेट्स प्ले, क्या बोलता है भाई, कुछ अलग मत बोलियो। बोल भाई बोल। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले स्विच के साथ लेफ्ट में सॉकेट है, मतलब ये स्विच तो सॉकेट का हो गया। तीसरे के साथ राइट में फैन का रेगुलेटर हो गया, मतलब ये फैन का हो गया, मतलब दरमियान वाला स्विच लाइट का है। आमर बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देता है। क्या आप इसका आंसर दे पाए? तो जल्दी से इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो, और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। अयान तैयब के घर उससे नोट्स लेने के लिए गया, वहां उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। तो अयान ने पूछा कि ये किसकी फोटो है? तो तैयब ने कहा कि ये मेरे पापा के बेटे की फोटो है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है। ये सुनकर अयान बहुत कंफ्यूज हो गया, और उसे समझ ही नहीं आया कि ये किसकी फोटो है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी फोटो है? अच्छे से सोचकर आंसर नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है यार, इसको आमिर ने बताया कि ये मेरा भाई, मेरे पापा का बेटा जरूर है लेकिन मेरा भाई नहीं है। तो अगर भाई नहीं है तो है पापा का बेटा, तो
तो इसकी अब दाढ़ी आ चुकी है, अगर हम सेंसिबल होकर सोचें तो ये इसकी बचपन की तस्वीर होगी, है कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग भाई, क्या कहते हैं? मैं तो महान हूं यार, मतलब आई एम जीनियस, ठीक है? अच्छा मेरे ख्याल से तो यही जवाब होगा। लेट्स प्ले, क्या कहता है यार, कुछ बस मेरे फेवर में ही बोलना। चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। एक्चुअली में ये तैयब की खुद की फोटो है बचपन की। उसने कहा उसके पापा के बेटे की फोटो है, तो यानी वो खुद ही हुआ। उसने बस कंफ्यूज करने के लिए ये कह दिया कि उसका कोई भाई नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की रिडल्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब करते हुए निकल जाना। चल 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 चल, चाहे आप YouTube पर नए हो, चाहे आप इस चैनल पर नए हो, चाहे आप इस वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निकल जाना। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए फन के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, निकलो फिर।